हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको सॉक्स बनाना बताऊंगी कैसे बनाते हैं। देखिए, ये मैंने मल्टी कलर लिया है और ये मैंने येलो कलर लिया है। देखिए, मल्टी कलर ये चंकी वूल है, ये चंकी वूल है और ये मैंने 5 मिलीमीटर का क्रोशिया हुक लिया है, 8 नंबर का। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने किस तरह का ये सॉक्स बनाया है। देखिए, इस तरह का मैंने ये सॉक्स बनाया है। यही सॉक्स मैं आपको बनाना बताऊंगी। देखिए, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए, इस तरह से मल्टी कलर लेने के बाद सबसे पहले मैं रिंग बनाऊंगी। देखिए, इस तरह से मैं ये रिंग बनाऊंगी। ये मैंने रिंग बना ली है। अब रिंग बनाने के बाद सबसे पहले मैं 3 की चेन बनाऊंगी, 1, 2 और ये 3। 3 की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से डबल क्रोशिया को डालना है। ये हो गए 3 चेन को मिलाकर, 3, 4, 5। देखिए, इसमें 15 डबल क्रोशिया डालने हैं, 15 डबल क्रोशिया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। मैंने इसमें ये 15 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 15 डबल क्रोशिया। देखिए, 15 डबल क्रोशिया डालने के बाद इस तरह से मैंने रिंग को ये टाइट कर दिया है। देखिए, रिंग को मैंने ये टाइट कर दिया है। अब देखिए, मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ, स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से ज्वाइन करना है। देखिए, इसको मैंने ये ज्वाइन कर दिया है, जोड़ दिया है। अब देखिए, फिर मैं ये 3 की चेन बनाऊँगी और देखिए यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया डालूँगी। देखिए, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालूंगी मैं, फ्रंट से इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए, यहाँ पर मैं इंक्रीज कर रही हूँ डबल क्रोशिया को, तो इसलिए मैं 2 डबल क्रोशिया डाल रही हूँ। 2 डबल क्रोशिया डालना है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए, 2 डबल क्रोशिया डालना है। देखिए, इसी तरह से ये डबल क्रोशिया डालने हैं, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए, अब इसमें हो गए हैं ये 29 डबल क्रोशिया। चेन को मिलाकर 29 डबल क्रोशिया इसमें अब हो गए हैं। अब देखिए, मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए, अब मैं 3 की चेन बनाऊंगी और देखिए
फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ही डालना है इस तरह से, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। बहुत ही इजी है इसको बनाना, इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। देखिए पूरी रो में मैंने ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डाल दिए। देखिए इस तरह से ये सॉक्स बनकर आ रहा है, देखिए इस तरह से। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी, इसको इस तरह से ज्वाइन करना है। देखिए इसको मैंने अब ज्वाइन कर दिया है। देखिए अब थ्री की चेन बनाऊंगी और देखिए फ्रंट से डबल क्रोशिया को डालना है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए अब मैंने ये फोर्थ रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए इस तरह से जोड़ देना है, इसको ज्वाइन करना है, स्लिप स्टिच लेते हुए इसको ज्वाइन करना है। देखिए जोड़ दिया है मैंने इसको, 1 2 3 की चेन और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से ये आगे को बढ़ता जाएगा, फ्रंट से ही डबल क्रोशिया को बुनना है। अब देखिए ये 3 की चेन आ गई है। अब मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से ये मैंने अब 15वीं रो कंप्लीट कर ली है, 15 रो। देखिए यहाँ से और यहाँ तक नहीं बुनना है ये डबल क्रोशिया को, देखिए, और बाकी डबल क्रोशिया को बुनना है, यहाँ से बुनना है। देखिए अब मैं इसको धागे को यही कट कर देती हूँ, ये धागा मैंने यहीं पर कट कर दिया है। देखिए अब यहाँ से बुनना है, जहां से मैंने ये मार्क लगाया है यहाँ से अब बुनना है। वन टू थ्री की चेन और देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बुनना है इस तरह से। देखिए 21 डबल क्रोशिया बुनना है। देखिए 21 डबल क्रोशिया को बुनना है इसी तरह से, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बुनते हुए। देखिए अब मैंने ये 21 डबल क्रोशिया बुन लिए हैं, यहां से यहां तक हो गए हैं ये 21 डबल क्रोशिया। देखिए और ये 8 डबल क्रोशिया मैंने छोड़ दिए हैं, तो हो गए हैं टोटल ये 29 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया ये और 21 ये, टोटल 29 डबल क्रोशिया। अब देखिए इसी तरह से बुनना है, 1 2 3 की चेन। अब देखिए बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बुनना है, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से बुनना है। देखिए बैक पोस्ट डबल क्रोशिया ही डालकर बुनना है अब इस तरह से। ये मैं बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बुन रही हूँ, तब
तो मैंने ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बुने थे, अब मैं ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया अब डाल रही हूँ। देखिए बैक से इस तरह से बुनना है डबल क्रोशिया को, तो इसको कहते हैं बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। और लास्ट में वन डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से, फिर वन टू थ्री की चेन। देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालना है अब। इस रो में तो डाली थी मैंने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, अब डालूंगी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए ये डाल रही हूँ मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, देखिए इसी तरह से डालना है डबल क्रोशिया को फ्रंट से, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। लास्ट में वन डबल क्रोशिया, आगे तक बनाना है अब। इस तरह से मैंने ये रो को कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से ये अब ये सॉक्स बन गया है, इधर से आया है इस तरह से पीछे से बैक से, देखिए और ये फ्रंट से आया है। देखिए इसमें टोटल हो गई है 23 रो, 15 रो तो मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाई है, 15 रो, और देखिए 8 रो बनाई है यहाँ से यहाँ तक, 8 रो, तो टोटल हो गई है ये पूरे सॉक्स में 23 रो ये मैंने बनाई है। अब देखिए मैं इसको पीछे से इस तरह से जोड़ देती हूँ, इसको सिल देती हूँ, तो इस तरह से देखिए इसको सिल देना है। सॉक्स को देखिए वन चेन, देखिए इस तरह से दोनों तरफ की चेन को लेकर इस तरह से सिलना है, इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए इस तरह से सिल देना है। देखिए दोनों तरफ की चेन इस तरह से लेते हुए इस तरह, देखिए अब मैंने ये सिल के कंप्लीट कर दिया है सॉक्स पीछे से। अब देखिए धागे को मैं कट कर देती हूँ, इस तरह से मैं कट कर देती हूँ, इसको मैं कट कर देती हूँ। इस तरह से आ गया है, देखिए पीछे से ही सिलकर और पीछे से और सीधी तरफ से इस तरह से आया है। देखिए अब ये सॉक्स इस तरह से आ गया है, देखिए और आगे से इस तरह से आया है। अब देखिए यहाँ से मैं इसका बॉर्डर बना देती हूँ, जैसे मैंने ये बॉर्डर बनाया है अब इसका मैं बॉर्डर बना देती हूँ। तो बॉर्डर बनाना है इस तरह से, तो देखिए मैं बॉर्डर बनाती हूँ और बॉर्डर मैं ये डबल ऊन से बनाऊंगी, तो इस तरह से बॉर्डर बनाना है।
देखिए इस तरह से बनाना है बॉर्डर। वन टू और ये थ्री की चेन और डबल क्रोशिया डालना है। देखिए इसी तरह से डबल क्रोशिया को डालना है। देखिए अब मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दिए हैं पूरे में। अब देखिए मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ स्लिप स्टिच लेते हुए। इसको मैंने अब ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से आ गई हैं ये। देखिए इसमें मैंने पूरे में 34 डबल क्रोशिया डाले हैं। 34 वन टू थ्री की चेन और देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालना है। फिर देखिए सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से और फिर आगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया डालना है, सिंगल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। सिंगल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए अब मैंने ये सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब इस तरह से आई है ये देखिए। अब देखिए मैं इसकी थर्ड रो बनाती हूँ और वो भी इसी तरह से बनानी है। वन टू थ्री की चेन और देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, यहां डालूंगी मैं सिंगल डबल क्रोशिया, फिर डालूंगी मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, देख सिंगल डबल क्रोशिया,
भी डालूंगी मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से बुनना है, एक सिंगल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए अब मैंने ये थर्ड डो भी कंप्लीट कर दी है। अब मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए अब ये सॉक्स कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है ये सॉक्स। अब देखिए ये अब सॉक्स कंप्लीट हो गया है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए इस तरह से आएगा ये, इस तरह से आ गया है ये सॉक्स और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए नीचे से इस तरह से आया है, ये दोनों सॉक्स कंप्लीट हो गए हैं। देखिए ये सॉक्स मैंने अब कंप्लीट कर दिए हैं, ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।